तुला राशि और लगन के जातकों के लिए नए वीडियो में स्वागत है। अक्टूबर 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अक्टूबर 2021 का जो गोचर है वो किस प्रकार से रहेगा और आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को अपने लगन से ही फॉलो करें अगर आपको आपका लगन पता हो। अगर लगन पता ना हो और आप राशि से देखना चाहें तो राशि से भी देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि और लगन स्थान के स्वामी के बारे में, जो कि शुक्र हैं। और शुक्र का जो गोचर है 2 तारीख से यानी 2 अक्टूबर से वृश्चिक में रहेगा। तो लगभग ये जो महीना है, अक्टूबर का जो महीना है, इसमें शुक्र की युति केतु के साथ रहने वाली है और ये धन भाव में आ रहे हैं यानी सेकेंड हाउस में आ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये जो समय होगा थोड़ा बहुत आपको धन के लिए तरसा सकता है। फैमिली के साथ जो रिलेशंस हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत आपको पहले नहीं चल रही थी, वहाँ भी थोड़ा सा मनमुटाव या थोड़ा डिटेचमेंट देखने को मिल सकता है। साथ में देखिए, ये जो लग्नेश है शुक्र और दूसरा ऊपर से शुक्र दर्शाते हैं कैश को यानी धन को दर्शाते हैं। ऐसे में आपका जो पैसा है कहीं पर फंस सकता है, कहीं पर आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति आपके लिए बनने वाली है और आप इस समय कोई ना कोई खर्चा करेंगे, अपने खान पान पर कोई बहुत बड़ा खर्चा करने वाले हैं, अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं। तो ये कंडीशन आपकी बनेगी इस महीने में। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर राहु की भी शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है और राहु अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो इस महीने में आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, इंट्यूशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका। साथ साथ में यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है, देखिए शुक्र अष्टमेश हैं खुद, ऐसे में आप अपनी फैमिली के साथ जितना हो सके अच्छे रिश्ते रखें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में अगर किसी प्रकार की अन्य कोई आपको दिक्कत आ रही है शुक्र से रिलेटेड, तो वहाँ भी अभी थोड़ा और नुकसान देखने को आपको मिल सकता है। साथ में देखिए, लग्नेश है तो थोड़ा आपके मन में यहाँ पर नेगेटिव विचार आ सकते हैं, मन में किसी तरह का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। तो शुक्र का ये जो रिजल्ट है आपके लिए इस प्रकार का रहेगा। साथ में यहाँ सेकेंड हाउस के शुक्र हैं, ऐसे में ये अपना प्रभाव वाणी पर जरूर डालेंगे, तो वाणी में जो मधुरता है वो हालांकि बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर शुक्र अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठा हुआ है तो ये शुक्र आपको ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं देंगे। इसके बाद शुक्र जा रहे हैं 30 अक्टूबर को धनु में और ये थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे, तो ये जो समय है मंथ के एंड का वो कोई ना कोई आपके लिए ट्रेवल का रहने वाला है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो कि सेकंड हाउस के स्वामी और वो सप्तमेश में आपकी कुंडली में ये गोचर कर रहे हैं 12वें में। तो ऐसे में देखिए, अगर आपका पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान है, अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान है, वो बन सकता है। साथ में इस महीने में खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे और क्योंकि बुध खुद भी यहाँ पर है, अपनी राशि का है, यहाँ पर बुध 12वें में है, ऐसे में बहुत ज़्यादा धन के खर्चे होना, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कत होना आपके पार्टनर को, आपके फैमिली में किसी को दिक्कत होना, या फिर आपका अपना जो छोटा भाई होगा उसके स्वास्थ्य के लिए कोई ना कोई खर्चा करना पड़ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन यहाँ बन रही है। साथ में आपको अगर फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, कोई आपका जॉब है, उसमें हालांकि समय आपका अच्छा है। इसके अलावा मान लीजिए आपका जो पार्टनर है उसकी सेहत के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो स्थिति बन रही है मंगल की, मंगल सेकेंड हाउस और सप्तमेश होकर वो 12वें में जा रहे हैं और लगभग पूरे महीने ही आपके ये 12वें भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में आपको मंगल गोचर से मांगलिक बना रहे हैं और यहाँ पर जो मैरिड लाइफ है उसके डिस्टर्ब होने का बहुत ही ज़्यादा आपको डर रहेगा। अपने पार्टनर के साथ आपका जो लड़ाई झगड़ा है वो चल सकता है और ऐसे में पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं होंगे और किसी प्रकार का मनमुटाव या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा उनके साथ आपका हो सकता है। ऐसे में आपका जो बिजनेस रहेगा, पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है, तो उसमें भी दिक्कत आपको आने ही वाली है। अब यहाँ पर जो मंगल हैं वो सेकेंड हाउस के लॉर्ड भी हैं, ऐसे में फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं और वैसे भी शुक्र यहाँ आ रहे हैं और केतु के साथ हैं, तो आपको काफी ज्यादा खर्चे इस महीने में देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए, मंगल की जो स्थिति है, मंगल यहाँ से चेंज होंगे और ये तुला में आएंगे, लेकिन इनका जो तुला में प्रवेश होगा 22 अक्टूबर से होगा, तो 22 अक्टूबर तक आप थोड़े इस महीने में परेशान रहने वाले। उसके बाद जैसे ही मंगल का प्रवेश होगा आपके लगन या राशि स्थान में, तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी के मामले में, धन के मामले में, बिजनेस के मामले में अच्छा संकेत रहेगा। तो 22 अक्टूबर के बाद आपको जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। अब ये रिजल्ट आपको धन संबंधी मामलों में या प्रॉपर्टी के मामलों में या आपकी पार्टनरशिप हो किसी के साथ,
साथ उन मामलों में, अपने बिजनेस के मामलों में बेहतर रिजल्ट रह सकते हैं। साथ साथ में देखिए, मंगल यहाँ पर आएंगे तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपके ऊपर हावी रहेगा और आपके मन में काफ़ी सारे ऐसे एग्रेसिव विचार आएंगे जहाँ पर आप हर किसी से लड़ाई झगड़ा करने को भी उतारू हो जाएंगे। तो ऐसी जो कंडीशन है वो इस तरह से मंगल की जो बन रही है, इस वजह से यहाँ पर देखिए सूर्य भी आ रहे हैं ऑलरेडी, तो आपकी हेल्थ के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन देने वाले, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाले, अगर आप इस एनर्जी का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो आप इसका पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़केगा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर गुरु के बारे में। गुरु का गोचर आपके फोर्थ हाउस में हो रहा है और वह मकर राशि में जा रहे हैं। मकर राशि में ये वक्री होने वाले हैं, तो वक्री स्थिति में चल रहे हैं अभी, और यहाँ पर वक्री रहते हुए और शनि भी यहाँ पर वक्री हैं, ऐसे में आपके घर से जुड़े हुए जो भी पेंडिंग काम है उनके बारे में आपने अगर कोई गलती करी है या कोई आप अपना डिसीजन बदलना चाहते हैं वो फिलहाल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको घर के जो कार्य हैं उनमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, आपके कार्य फिलहाल रुक सकते हैं। यहाँ पर शनि का जो मार्गी पीरियड है वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे में आपके घर और जॉब से रिलेटेड काम भी बाद में ही शुरू होने वाले। तो गुरु की जहाँ तक बात है, देखिए गुरु यहाँ पर वक्री स्थिति में रहने वाले हैं, ऐसे में घर के जो कार्य हैं वो रुक सकते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा रिलेशन खराब हो सकता है, साथ में आपकी माता जी को सेहत से जुड़ी हुई कुछ समस्याएँ रह सकती हैं। और ये जो स्थिति है, आपके घर में काफ़ी बाउंडेशन आपके ऊपर रहेगी, काफ़ी ऑब्लिगेशन आपके ऊपर रहेंगे और आपकी माता जी के साथ भी आपके रिलेशन थोड़े बहुत बिगड़ सकते हैं यहाँ पर। अगर आपकी कुंडली में गुरु और शनि की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है तो ऐसे में इनके जो रिजल्ट रहेंगे काफ़ी ज़्यादा खराब रहने वाले। इसके साथ ही देखिए, अगर हम गुरु की बात करें यहाँ, तो गुरु सिक्स हाउस का भी स्वामी है, ऐसे में घर के लिए कोई भी लोन वगैरह आप इस समय ना लें, साथ ही अपने घर का जो माहौल है वो आपको अच्छा रखना चाहिए, सही रखना चाहिए और घर में आपके खुशियां होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का तनावपूर्ण माहौल या बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस बाउंडेशन वाला माहौल घर में क्रिएट नहीं करना। साथ में अगर देखिए, आप अगर घर से जॉब कर रहे हैं या घर पर काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घर का जो वातावरण होगा वो आपको ठीक से सूट नहीं करेगा। घर में आप काफ़ी परेशान रहेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत घर के कार्यों के लिए करेंगे लेकिन आपके घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये थोड़ी दिक्कत यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए, बाद में इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो 10th हाउस पर पड़ रही है, तो 10th हाउस पर पड़ने से जॉब में भी पूरी पूरी मेहनत अभी आपको लगने वाली है, मेहनत बहुत ज़्यादा आपको करनी चाहिए और ये महीना आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत का रहेगा। हालांकि धन आपको जरूर प्राप्त होगा बट खर्चा भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो जितना पैसा आप कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा आपका खर्चा होने वाला है। अब आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए, साथ में आप जो भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से आप निभाएं। अगर आप किसी प्रकार की कोई लापरवाही करते हैं तो आपका जॉब छूट सकता है, जॉब में दिक्कत आ सकती है और साथ में आपके बॉस के साथ भी रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा गुरु और शनि जो कि आपके घर का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं, ऐसे में देखिए घर के जो भी आपके कार्य हैं वो ठीक से नहीं बनेंगे, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और आपके जो रिलेशंस हैं अपनी फैमिली से वो भी यहाँ पर ख़राब होने के चांसेस बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर बात करें शनि की, तो अभी हम शनि की बात कर रहे हैं गुरु के साथ साथ, ऐसे में यहाँ पर देखिए शनि पंचमेश भी हैं और वो 4th हाउस के स्वामी हैं, तो घर के जो भी कार्य हैं, जो भी आपके जॉब से रिलेटेड जो भी आपको काम है, 11 अक्टूबर के बाद शनि के मार्गी होने के बाद काफ़ी अच्छे से चलने लगेंगे, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, यानी लगभग आधे महीने के बाद आपको सही रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। तो शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, शनि की जो दृष्टि है वो 6th हाउस पर भी पड़ रही है, ऐसे में जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत और अगर जॉब चेंज करना चाहते हो तो इस महीने में आप जॉब चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलेगा लेकिन 11 अक्टूबर के बाद ही ऐसा संभव हो पाएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बुध के बारे में। देखिए बुध जो कि आपकी कुंडली में 9th हाउस के स्वामी और वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पर इनके साथ मंगल युति कर रहे हैं, ऐसे में आपका फैमिली सहित या अपने लाइफ पार्टनर सहित बाहर जाने का योग बन रहा है, या उनका स्वास्थ्य खराब हो फैमिली में किसी का, या उनको और कोई खर्चा करना पड़े किसी प्रकार का, तो ऐसा योग आपको बन रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर एक बाहर जाने का या कोई लंबा टूर होने का चांसेस बनते हैं। इसके अलावा देखिए, आपका जो बुध है वो बुध 12वें भाव में जा रहा है, ऐसे में बुध है वो आपके लिए 9th हाउस का कारक है,
तो कोई भी जो स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में है उनको बाहर जाने का इस समय अच्छा मौका मिल सकता है तुला राशि और लगन वालों को। अगर आपने अभी मान लीजिए स्टडी वीजा पे आप बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चांसेस इस महीने में बन सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा देखिए शुरुआत में यहाँ पर 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो इस महीने की शुरुआत में जो सबसे ज़्यादा चिंता आपको रहेगी अपने जॉब को लेके, अपने कार्य क्षेत्र को लेके, प्रोफेशनल करियर को लेके रहने वाली। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो ऐसे में इस महीने के स्टार्टिंग में कुछ डिसीजन जो आप लेने वाले हैं, कुछ भी आप भले ही निर्णय लें, थोड़ा लेट ले पाएंगे। इसके साथ साथ निर्णयों में थोड़ी देरी होने से आपका काम भी पेंडिंग रह सकता है। इसके बाद चंद्रमा की जो स्थिति है वो यहाँ से चेंज होगी और चंद्रमा शुरुआती 2-3 दिन के बाद यहाँ पर लाभ स्थान में चले जाएंगे। अब लाभ स्थान में इनका जाना आपको धन तो प्रदान करेगा, लेकिन ये धन कुछ समय के लिए ही आपको मिलने वाला है। उसके बाद चंद्रमा आगे अपना 2-2.5 दिन का गोचर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सूर्य की जहां तक अगर बात करें तो सूर्य शुरुआत में 12वें भाव में रहने वाले और ये भी लाभ स्थान के स्वामी होकर 12वें भाव में रहने वाले हैं, तो 17 अक्टूबर तक का जो समय है वो भी आपके लिए खर्चों का रहेगा। इस समय आपको हालांकि कहीं से बाहर से फॉरेन से लाभ मिल सकता है, पिता की सेहत भी खराब हो सकती है इस महीने में आपके, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ में आपको कोई सरकारी विभाग के द्वारा मान लीजिए जुर्माना लगाया गया हो या किसी प्रकार से अन्य कोई पाबंदी आपके ऊपर लगाई गई हो, ऐसी संभावना बनती है। इसके अलावा सूर्य यहाँ पर राशि और लग्न स्थान में आ जाएंगे, तो राशि और लग्न स्थान का जो सूर्य होगा वो बहुत ज़्यादा ईगो देगा और यहाँ पर सूर्य नीच के हो रहे हैं तो 17 अक्टूबर के बाद आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। आपका कहीं पर पैसा फंस सकता है, कहीं पर पैसे से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड दिक्कत आपको आ सकती है। साथ में ये लगन और राशि स्थान का सूर्य रहेगा, अगर चंद्र राशि तुला है आपकी तो इस समय माइंड में बहुत ज़्यादा आप प्रेशर महसूस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जो सूर्य की एनर्जी है वो यहाँ पर आने वाली है। ऐसे में आपका जो मन है काफ़ी परेशान रहेगा, आपके बहुत बड़े बड़े कोई टारगेट जो आपको अचीव नहीं हुए उनके लिए आप परेशान रहेंगे। आप हर किसी से रेस्पेक्ट पाना चाहेंगे लेकिन वैसी रेस्पेक्ट आपको मिलेगी नहीं, तो यहाँ दिक्कत जरूर नज़र आ रही है। और सूर्य का जो यहाँ पर अगर हम बात करें राशि और लग्न स्थान में आना, अगर सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में, तब इतने ज़्यादा खराब रिजल्ट यहाँ सूर्य के नहीं मिलने वाले। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्थिति आपकी सेहत के लिए तो अच्छी होगी, बट आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करेगी और यहाँ पर आप खुद भी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहने वाले, तो अपने ईगो पर जरूर आपको इस महीने में कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज आप काफ़ी ज़्यादा बुरे रिजल्ट यहाँ पर पा सकते हैं। तो ये महीने में अगर देखा जाए तो धन लाभ होने के साथ साथ आपको यहाँ पर नुकसान होना या धन के खर्चे होना बहुत ऐसे योग बन रहे हैं, और आपको फैमिली सहित बाहर जाने के या कोई टूर करने के, सेहत से जुड़े हुए खर्चे आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहे हैं, तो ये सारी यहाँ पर स्थितियाँ बन रही हैं। साथ साथ में जॉब में कोई बड़ा बदलाव होना, जॉब में कुछ चेंजेस आना, वो भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। अब देखिए राहु केतु के बारे में तो हम यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाले, इनके बारे में हम काफ़ी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कुछ ऐसे दिनों के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी आने वाली है। इसके बाद इस वीडियो में हम कुछ अच्छे दिनों की भी बात करने वाले। तो देखिए सबसे पहले जब चंद्रमा का ट्रांजिट होगा मेन राशि में, ये आपके 6th हाउस में रहने वाले हैं, 18 और 19 को आपका रूटीन खराब रहेगा। किसी से पैसे का लेन देन करते तो सावधानी बरतें और 18 और 19 को कोई भी लोन वगैरह कहीं से कोई उधार वगैरह ना लें। इसके अलावा अपने ऑफिस के कार्यों को समय पर करें और अपना जो दैनिक रूटीन है उसको भी आप ठीक रखें। इसके बाद चंद्रमा जब ट्रांजिट करेंगे टॉरस में तो ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 23 और 24 तारीख को कोई एक्सीडेंट जैसी घटना बन सकती है आपके, और कहीं से मान लीजिए कोई ऊंचे स्थान से गिरने से चोट लग सकती है या अन्य कोई घटना ऐसी हो सकती है। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो इस दौरान बहुत बड़ा कोई धन लाभ भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ में देखिए डिप्रेशन रहेगा, 23 और 24 तारीख को बहुत ज़्यादा काम का कोई आपके ऊपर बोझ रहने वाला है, तो ऑफिस का जो भी काम है आपको सही तरीके से निपटाना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा जब विरगो में ट्रांजिट करेंगे तो ये आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं, तो 12वें भाव में कन्या राशि में इनके रहने से 5 और 6 तारीख का जो समय है इसमें कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन जो भी आप लेते हैं वो इस समय ना लें और आगे आने वाले समय का वेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी आने वाली, सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ साथ आपके निर्णय गलत चले जाएंगे और आपको यहाँ पर
बहुत सारे ऐसे खर्चे करने पड़ सकते हैं सेहत को लेकर या फैमिली को लेकर, कुछ ना कुछ आपको खर्चा अवश्य करना पड़ सकता है। तो ये आपके लिए कुछ खराब दिन थे। अगर बात करें आपके लिए अच्छे दिनों की इस महीने में, तो आपके लिए काफ़ी सारे अच्छे दिन भी रहने वाले हैं, जिसमें 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 23 और 31 ये तारीखें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं इस महीने में। तो फिलहाल हम ऑलरेडी पूरा चर्चा कर चुके हैं वीडियो में, तो फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही।